यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड ने दोपहर 2 बजे 10वीं और फिर 4 बजे 12वीं का परिणाम घोषित किया। 12वीं में दिव्यांशी ने टॉप किया है, वहीं प्रयागराज की अंशिका यादव दूसरे नंबर पर रहीं। दिव्यांशी ने 500 में 477 अंक हासिल किए, वहीं अंशिका और योगेश प्रताप ने 500 में 475 अंक प्राप्त किए। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाली प्रयागराज की अंशिका यादव IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। आगे की पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी जुट जाएंगी। न्यूज 18 से बात करते हुए अंशिका ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद BA करेंगी। इस दौरान वो हिंदी, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र उनके विषय रहेंगे ताकि उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में आसानी रहे। वैसे अंशिका यादव के पिता राम बहादुर यादव प्रयागराज में ही बिजनेस करते हैं, उनकी खुद की जूते चप्पल की दुकान है। बता दें कि इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में यूपी में 85.33% परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है। इस परीक्षा में 22,37,578 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 19,09,249 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में इस बार बालकों की तुलना में बालिकाओं ने बाजी मारी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.21% रहा, वहीं बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.15% रहा। इस बार यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा में टॉप 10 में 28 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 15 लड़कियां और 13 लड़के हैं। बता दें कि पिछले साल बागपत जिले के अनुराग मलिक ने टॉप किया था, वहीं दूसरे स्थान पर प्रयागराज के प्रांजल सिंह रहे थे। इस बार यूपी के 12वीं बोर्ड में दूसरा नंबर प्रयागराज के अंशिका यादव के ही नाम रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।